हेलो एवरीवन आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स की जो आपकी इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है उसका फिफ्थ यूनिट का चैप्टर नंबर थर्टीन वो करने वाले हैं ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया था अब जस्ट आज उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड जो भी पार्ट उसका दिया होगा वो आज हम कम्प्लीट करने वाले हैं नाउ अब हमारे ये फिलिंग द ब्लैंक्स है जिनको हमें कम्प्लीट कर रहा है सो द डिज़ाइन ऑफ अ पन आर टेकन फ्रॉम द कल्चरल ट्रेडिशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर तो इसे ये बनाया जाता है ढोकर मेटल मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड इट इज कितना है ये फोर थाउजेंड ईयर्स ओल्ड है अब बेस इज नीडेड टू नीडेड फॉर कोकोनट शेल क्राफ्ट टू मेक इट स्टेबल तो कोकोनट की शेल जो बनाई जाती है उसके लिए जो है नीचे बेस बनाया जाता है ताकि वो स्टेबल रहे सॉफ्ट वुड मक्कू एंड कलर्स आर यूज टू मेक कोंडापली टॉयज नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाई डज अकस फैमिली मेक अपन तो वो अपन क्यों बनाते हैं सो अकशियस फैमिली अपन टू ड्रो ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स तो ये कब बनाया जाता है फैमिली फंक्शन या फेस्टिवल होते हैं उस टाइम पे वो बनाते हैं यूजिंग इट एज अ ट्रेडिशनल फोक आर्ट डेट रिफ्लेक्ट कल्चरल ट्रेडिशन तो ये कब बनाया जाता है मतलब उनका कल्चर ये शो करते हैं और ये फोक आर्ट की तरह होता है तो उनके जो फंक्शन या फेस्टिवल होते हैं उस टाइम पे बनाते हैं इन ढोकरा वाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग तो वैक्स कैसे कमा जाती है सो इन ढोकर वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग बिकॉज अ फिगर कवर्ड विद वैक्स इज हीटेड इन द फायर क्योंकि जो फिगर होती है जो बनाई जाती है उसको गर्म किया जाता है वैक्स को जो है आग में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद क्या होता है वैक्स मेल्ट हो जाती है एंड एस्क थ्रू द ओपनिंग तो जो छोटी सी जगह छोड़ी जाती है ओपनिंग छोड़ी जाती है उसमें से वो निकल आती है लिविंग स्पेस फॉर द मोल्टन मेटल टू बी फोर इन ताकि उसमें जो आपको मेटल डालना है वो आप इजीली डाल सके और उस मतलब जैसे ही वो निकलेगी तो जगह खाली हो गई सारी लेकिन क्ले क्या होती है क्ले या मिट्टी अगर वो भी कुछ है तो वो अगर आप उसको आग में पकाते हैं तो वो टाइट हो जाती है स्ट्रोंग हो जाती है जैसे मिट्टी के घड़े वगैरह उनको पकाया जाता है लेकिन वैक्स क्या होगी वो पिंगल जाती है मेल्ट हो जाती है वो बाहर निकल जाएगी तो वो एज ए की एज इट इज़ वो ढांचा रह जाएगा देन उसके अंदर जो भी मेटल आपको डालना वो डाल सकते हैं नेक्स्ट uh, so, क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन द टॉयज मेड इन बार बालामुराली विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला तो क्या इनमें कॉमन है सो बोथ द टॉयज मेड इन बाला मुराली विलेज एंड द कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला इन्वॉल्व क्रिएटिंग फंक्शनल और डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड टेक्निक्स सो ये टॉय बनाए जाते हैं बारामूला विलेज में और जो कोकोनट शेल से जो केरला में बनाई जाती है चीज़ें उन दोनों में क्या ये एक डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज़ होते हैं फंक्शनल भी होते हैं हो, और डेकोरेटिव भी होते हैं जिनको ट्रेडिशनल या हैंडक्राफ्ट टेक्निक से बनाया जाता है नाउ प्रियंजल चित्रा एंड बाला मुराली शेयर हाउ आर्ट वर्क ऑफ द स्टेट क्योंकि स्टेट में काम कैसे चल रहा है आर मेड दे यूज सम वर्ड्स टू शो द ऑर्डर ऑफ मेकिंग इट

We give it the desired shape and make it stable by fixing a base under it. Finally, we polish it using wood polish to make it shine. बाद में वुड पॉलिश लगाकर उसको शाइन करने के लिए छोड़ दिया जाता है Now I get ready for school. आप स्कूल के लिए जैसे कैसे रेडी uh, होते हैं उसके लिए आपको फर्स्ट क्या करते हैं सेकंड क्या करते हैं लास्ट में क्या करते हैं वो सब बताना है So first I get up and go to take a shower. उठते हैं और शावर के लिए जाते हैं then i wear my school dress नेक्स्ट आई ईट माई फूड आफ्टर दैट आई वेयर माई शूज एंड फाइनली आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम लास्ट में जो है अपना बैग उठाता हूँ स्कूल के लिए चल देते हैं द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ईच स्पीक अबाउट वन आर्ट फॉर्म तो सबने एक एक आर्ट फॉर्म के बारे में बताया था फ्रॉम देअर स्टेट उनके स्टेट से जो थी वेन दे स्पीक दे यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्व वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वो हमेशा यूज कर रहे थे इट शूज समथिंग डैट हैपन्स रेगुलरली तो वर्ब की अगर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सो डैट मीन्स कि वो चीज़ रेगुलरली वहां पर हो रही है यानी कि पहले होती थी या आगे होगी वो वहां पर चल रही है इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस जिसे हम क्या बोलते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट तो आपको भी पता है ना प्रेजेंट यानी कि ये वाला टाइम तो प्रेजेंट में वो चलता है जिसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं विद ही शी एंड इट ही शी और इट के लिए हम एस या ई एस का यूज करते हैं इज यूज विद द वर्ब टू शो द प्रेजेंट टेंस नाउ मेक फाइव सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द टेबल बिलो तो नीचे आपको बनाने हैं उनके सेंटेंसेज यूज एस और ई एस वेन एवर नेसेसरी जब भी जरूरी है टू एग्जाम्पल्स आर गिवन सो प्रोनाउन वर्ब्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड देन द कम्प्लीट सेंटेंस ठीक है आई आई हो गया आपका प्रोनाउन देखो नाउन क्या होते हैं किसी भी चीज़ का नाम प्रोनाउन क्या होता है उसकी जगह पर जो यूज होना है जैसे मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी आई यूज करूंगी ठीक है आप दूसरे के लिए क्या यूज़ करेंगी यू मैं अपने नाम की जगह अपना नाम ना लेकर मैं आई यूज़ करूँगी आई माए या जो भी मुझे यूज करना है आई वर्ब क्या है आस्क हाउ टू डांस आई नो हाउ टू डांस अब इसी तरह से हमें इनको कम, कम्प्लीट करना है ही आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड वो जो है क्वेश्चन पूछते हैं समझने के लिए सी टेल्स अ स्टोरी एवरी डे वो हर रोज कोई ना कोई स्टोरी सुनाती है इट मेक्स ब्यूटिफुल फ्लाश दे प्रैक्टिस स्पेलिंग ऑन फ्राइडे

आई एम सुशील फ्रॉम जबलपुर इन मध्य प्रदेश तो मेरा नाम सुशील है मैं जबलपुर से हूँ जो कि मध्य प्रदेश में है लेट मी टेल यू यूनिक डिश ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट अब मैं तुम्हें जो अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक यूनिक डिश है जहाँ जबलपुर में जो बनाई जाती है उसके बारे में बताने वाला हूँ इट इज़ कॉल्ड गक्कड़ भरता फर्स्ट वी मेक गक्कड़ फ्रॉम वीट डाव सो वीट का डो लेते हैं यानी कि जो आटा होता है गेहूं का वो लेते हैं देन वी मेक बोल्स विथ द डो एंड रोस्ट दैम ऑन हाई हीट उसके बाद इस डो से क्या करते हैं बोल्स बनाते हैं और उसको रोस्ट करते हैं हाई हीट पर टू मेक भर्ता भर्ता बनाने के लिए हम क्या करते हैं वी रोस्ट ब्रिंजल ब्रंजल को रोस्ट करते हैं पकाते हैं आग पर एंड टमाटोज देन वी गार्निश द भरता विथ चोप्ड अनियन कुरियंडर ग्रीन चिलीज एंड सोल्ट उसके बाद जो है वो जो भरता बनता है उसको क्या करते हैं अनियन करियंडर और ग्रीन चिलीज और सोल्ट के साथ मिक्स कर देते हैं ठीक है दिस फूड आइटम इज मेड विदाउट फ्राइंग और इसमें बिल्कुल भी फ्राइंग नहीं होती सिर्फ यही चीज़ें होती हैं सिर्फ टमाटो को और ब्रिंजल को रोस्ट कर लिया जाता है देन ये सब चीज़ें उसमें मिला दी जाती हैं टू ईट इट यू सिंपली क्रम्बल द दक्कड़ अब जो घक्कड़ पहले बनाया था जिसको गेहूँ के आटे को पूरा रोस्ट किया था उसके बाद में इसको इसमें आ, मतलब मतलब रोस्ट किया था देन उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है इसके साथ क्रम्बल किया जाता है एंड ड्रीजल इट विद सम भरता उसके ऊपर थोड़ा सा भत्ता डालते हैं स्पून फुल ऑफ घी और थोड़ा सा घी कम टू जबलपुर एंड ट्राई इट जबलपुर में आओ और इसको ट्राई करो ये बहुत टेस्टी होता है अब इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम कर लेते हैं जो कि घकड़ भरता के बारे में है नाव अब हमें उसकी सारी डिटेल्स बतानी है सो फर्स्ट नेम ऑफ द स्पीकर सुशील Uh, किस जगह के बारे में बता रहे हैं जबलपुर के बारे में और वो कहाँ पर बिलोंग करती है कौन से स्टेट से मध्य प्रदेश से फूड आइटम क्या है घक्कड़ भरता एंड वेजिटेबल कौन कौन सी रोस्ट की जाती है इसमें ब्रिंजल एंड टमाटो को जो है रोस्ट करके वो लोग रखते हैं नाउ लिसन द डिस्क्रिप्शन अगेन फिर से सुनो एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ द हाउ टू मेक घक्कड़ भरता और उसको कैसे बनाया जाता है वो आपको फिर से बताना है ठीक है नाउ फर्स्ट टू मेक घक्कर मेक बोल्स ऑफ वीडो वीडो के बोल्स आपको बनाने हैं देन उनको रोस्ट करना है हाई हीट पर देन टू मेक भरता रोस्ट ब्रिंजल एंड टमेटो पहले रोस्ट करना है ब्रिंजल एंड टमेटो को देन उनको गार्निश करना है किसके साथ चोप्ड अनियन कोरिएंडर ग्रीन चिलीज एंड सोल्ट के साथ टू सर्व क्रम्बल द घक्कर उसके बाद गक्कर जो है उसको क्या करना है आपको क्रम्बल करना है यानी कि तोड़ देना है उसके बाद उसमें थोड़ा भरता डालना है एंड उसके बाद उसमें एड वन स्पून ऑफ घी और ये आपका भरता तैयार हो जाएगा जो आपको खाना है घक्खड़ भरता जिसे बोलते हैं नाउ स्पीक अबाउट अ लोकल आर्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ योर रीजन इट कैन बी एनी वन आउट ऑफ द पेंटिंग रंगोली मेटल क्राफ्ट एम्ब्रॉयडरी म्यूजिक डांस और ड्रामा सो आपको यहाँ पर एक लोकल आर्ट फॉर्म के बारे में बताना है आपके रीजन में जो होती है आप कुछ भी बता सकते हो पेंटिंग हो सकती है रंगोली मेटल क्राफ्ट कुछ भी हो सकता है आपको बताना है लेकिन आपको याद रखना कि ये सब चीज़ें आप उसमें यूज़ करेंगे ठीक है आई नो अबाउट द आर्ट from कोल्ड varli पेंटिंग which इज़ पॉपुलर इन महाराष्ट्र तो वर्ली पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर जो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस है आप अपने साइड की या अपने एरिया की कोई चीज़ भी बता सकते हैं और नहीं है तो आप किसी दूसरे एरिया के आसपास के एरिया की भी ले सकते हैं They need rice paste, branches made from bamboo sticks, and mud walls. To make it, first the artist prepare the surface by applying a coat of red mud on the walls. So सबसे पहले क्या करते हैं uh, लाल मिट्टी या लेकर उसको वॉल पर उसका कोट लगाया जाता है. After that they create a white paste from rice and water. उसके बाद राइस और वॉटर से एक व्हाइट पेस्ट बनाया जाता है, which they used for painting. जो पेंटिंग के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट दे यूज़ स्टिक्स एज ब्रशेज टू ड्रो जियोमेट्रिक शेप्स लाइक सर्कल ट्रैंगल एंड लाइन्स टू डिस्पाइट सीन्स ऑफ डेली लाइफ उसके बाद वो अलग अलग जियोमेट्रिक शेप्स लेते हैं सर्कल ट्रैगल अलग अलग चीजें लाइन्स वगैरह ताकि वो डेली लाइफ की चीजें उसमें ड्रॉ कर पाए उनके सीन ड्रॉ कर पाए एनिमल्स को ड्रॉ कर पाए या फिर नेचर से रिलेटेड चीजें देन दे केयरफुली फिल इन द डिज़ाइन विद पैटर्न उसके बाद जो डिज़ाइन उन्होंने बनाए हुए हैं उसको वो पैटर्न से फिल कर देते हैं एट लास्ट द पेंटिंग इज़ अलाउड टू ड्राई उसके बाद वे पेंटिंग को ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं एंड इट बिकम्स अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट दैट रिफ्लेक्ट द सिंपल याट रिच कल्चर ऑफ द वर्ली कम्युनिटी सो ये क्या करती है एक बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल सा पीस जो है तैयार हो होगी तैयार हो जाता है जो कि उनके ट्रेडिशनल आर्ट को रिफ्लेक्ट करता है बताता है उसके बारे में और वर्ली कम्युनिटी का रिच कल्चर भी इससे शो होता है नाउ यू हर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट स्पीक अबाउट द आर्ट फॉर्म फ्रॉम देअर स्टेट डिस्कस इन पेयर विच आर्ट फॉर्म यू लाइक द मोस्ट तो आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी उसको आपको पैराग्राफ में बताना है एंड साथ में आपको जो है बताना भी है कि क्यों आपको अच्छी लगी रीजन भी देना है सो आउट ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स आई लाइक डोकरा मेटल क्राफ्ट फ्राम उड़ीसा द मोस्ट आई फाउंड इट फैसिनेटिंग बिकॉज इट इज फोर थाउजेंड ई ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन डेट ब्यूटिफुली कम्बाइंड आर्ट एंड एंशियंट टेक्निक्स तो ये जो है चार हजार साल पुरानी है और इसमें जो आ, मतलब पुराने जो हमारी एंशियंट टेक्निक्स हैं आर्ट्स हैं उनका कम्बिनेशन है तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा द प्रोसेस ऑफ यूजिंग क्ले वैक्स एंड ब्रास टू क्रिएट इंटेरिकेट डिज़ाइन शो द रिमार्केबल स्किल्स ऑफ वाट आर्टिशियंस सो क्ले का वैक्स का और ब्रास का यूज़ करके इस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना डिज़ाइन बनाना ये आर्ट, जो आर्ट होते हैं सॉरी जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी स्किल के बारे में बताता है कि वो कितने स्किल्ड हैं आई ऑल्सो appreciate हाउ ईच पीस इज़ यूनिक एंड handmade, और कैसे हर एक पीस जो है यूनिक होता है और हाथ से बना हुआ होता है रिफ्लेक्टिंग द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ द रीजन जो वहाँ के कल्चर और हिस्ट्री को बताता है additionally the fact that this craft involves eco-friendly material and traditional method make it even more special और सबसे अच्छी बात है कि इको फ्रेंडली होता है इसमें कोई भी ऐसी चीजें यूज नहीं की जा रही जिससे कि आपके एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होगी या वो पोल्यूट होगा और ट्रेडिशनल मेथड का यूज इसमें किया जाता है ओवरऑल डोकरा मेटल क्राफ्ट नॉट ओनली लुक्स ब्यूटीफुल बट ऑल्सो टेल्स अ स्टोरी ऑफ कल्चरल हेरिटेज सो so, ये सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं है जो बहुत अच्छा लगता है बल्कि ये हमारा जो पुराना कल्चर है हेरिटेज है उसके बारे में भी हमें एक स्टोरी बता रहा है सो so, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं डेट्स ऑल फॉर टूडे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू